इराक के बगदाद एयरपोर्ट पर गुरुवार देर रात अमेरिकी ड्रोन ने रॉकेट से हमला कर दिया। इसमें ईरान की अलीट कुदुत सेना के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के ईरान समर्थित संगठन पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कमांडर अबू मेहदी अल मुहिंदीन समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक जनरल कासिम मध्य पूर्व में अमेरिका राजनयिकों को और इराक में सैनिकों को मारने की साजिश रच रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने अपने जवानों की रक्षा के लिए जनरल कासिम को मार गिराया। वे ईरान की विशेष सेना रिवोल्यूशनरी गार्ड की कुदस फोर्स के प्रमुख थे। यह अमेरिका के लिए आतंकी संगठन है। जनरल कासिम की मौत के बाद इराक की विद्रोही शिया सेना ने अपने लड़ाकों को तैयार रहने के लिए कहा है। बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने नागरिकों को जल्द से जल्द इराक छोड़ने की सलाह दी है। दूतावास से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक जितनी जल्दी हो सके विमानों से और मुमकिन हो तो सड़क के रास्ते दूसरे देश चले जाएं। इसके साथ ही इराक की काउंटर टूरिज्म फोर्स को दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जनरल कासिम सीरिया से गुरुवार रात ही बगदाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। उनके समर्थक शिया संगठन के अधिकारी उन्हें विमान के पास ही लेने पहुंच गए। एक कार में जनरल कासिम और दूसरी में शिया सेना के प्रमुख मुहंदिस बैठे थे। जैसे ही दोनों की कार एयरपोर्ट से बाहर निकली, वैसे ही रात के अंधेरे में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ने उस पर मिसाइल दाग दी। जनरल कासिम की मौत पर ईरान के सुप्रीमो लीडर आयतुल्लाह खमेनी ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कासिम और अन्य की हत्या में शामिल व मारने वाले अपराधियों से कठोर बदला लिया जाएगा। सभी दोस्त और दुश्मन जानते हैं कि यह लड़ाई जारी रहेगी और रास्ते में एक पक्की जीत हमारे मुजाहिदीनों का इंतजार कर रही है। जनरल कासिम चाहते थे उन्हें शहादत मिले और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें वह दर्जा दिया। ईरान के विदेश मंत्री जावेद जारिफ ने कमांडर कासिम की मौत के बाद अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अमेरिका का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय आतंक है। जनरल कासिम IAS और अलकायदा के खिलाफ सबसे प्रभावशाली ताकत थे। यह अमेरिका का तनाव बढ़ाने वाला बखूबी भरा और खतरनाक कदम है। इस दुष्ट कार्यवाही के लिए अमेरिका खुद जिम्मेदार होगा। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। फोर्स के टॉप कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद विदेश मंत्री माइक पोपोन के ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने दावा किया कि सुलेमानी की मौत के बाद इराक की सड़कों पर जश्न का माहौल है। स्वतंत्रता के लिए लोग सड़क पर नाच रहे हैं। शुक्र है कि जनरल सुलेमानी अब नहीं रहे। आप भी वीडियो में देखें कैसे सड़कों पर लोग उतर कर जश्न मना रहे हैं। الساعة 4:30 احتفالات بمقتل سليماني. هذا حبة الشهداء اللي راحت ودم الشهداء والضحايا والشهداء العراقيين كلهم طلعت اليوم. JBD Banquets لاي هي Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।